एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा था, क्वेश्चन में बना देता हूँ उसका फिगर। बोला गया था कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक क्या है, पैराबोला है, क्लियर। और इस पैराबोला पर दो पॉइंट लिए गए थे, a और b, a और b। और फिर इसमें ये बोला गया था कि ab को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको आप डायमीटर मान करके जब सर्किल बनाओगे, डायमीटर मान करके सर्किल बनाओगे, ये थोड़ा सा कुछ खराब ही बन गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। डायमीटर मान करके जब सर्किल बनाओगे तो ये सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्किल का रेडियस शायद आपसे पूछा गया था ना, क्या पूछा, नहीं स्लोप ऑफ लाइन पूछे थे, ठीक ठीक हाँ, ये जो लाइन आया था इसका स्लोप मैंने आपसे पूछ रखा था। तो आपने कोशिश किया इसको लगाने का, टू बाई आर ऐसे करके कुछ आया होगा, ठीक है मैं देख रहा हूँ। देखो इधर सुनो, अगर हम लोग एक चीज यहाँ पर बोल दें कि a को एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान लें, 81 स्क्वायर ट्वाइज 81, और b को हम लोग दूसरा वाला मान लें, अगर ऐसे मान लो हम लोग ले लेते हैं, तो आपको पता होगा कि कोई भी दो पैरामेट्रिक पॉइंट को जब कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा था तो उसका स्लोप मैंने आपको लिखवाया था 2 by t1 plus t2। ये आपका टाइम बचा लेगा वैसे, अदरवाइज आप यहाँ से निकालोगे तो सेम चीज आएगा, यही मैंने लिखवाया था ये बात। और यहाँ से tan 45 डिग्री का एक कंडीशन भी लिखवाया था कि जब दो पॉइंट्स का पैरामेट्रिक सम जो आता था दो, तो बोला था कि उनका स्लोप 45 डिग्री बनता था, ये चीज मैंने बताया था। अब देखो ये चीज हो गया यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये होगा वो सर्किल का सेंटर बनेगा, बनेगा कि नहीं। और जब ये सर्किल का सेंटर बनेगा तो, और सर्किल चूंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो ये आर है इसका ऑर्डिनेट बनेगा, बनेगा कि नहीं ऑर्डिनेट। तो आर जरा बता दो वहां से, 2a t1 plus 2a t2 by 2, ये कहां से आया, अरे भाई सेंटर है, ए बी डायमीटर था तो इसका मिड पॉइंट ही सेंटर होगा ना, और मिड पॉइंट सेंटर मतलब मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट, तो ये लिखा हूं यहां से, तो यहां से आर का वैल्यू आ गया a times t1 plus t2, क्लियर। और यहां से t1 plus t2 आ गया r upon a, रखो ला करके वहां। सो हम लोग बोल सकता है m equals to कितना आ गया, 2 upon t1 plus t2 का r by a, तो m आ जाएगा 2a by r, क्लियर हुआ। बोलो, शायद यहाँ a का वैल्यू 1 लिया था क्या मैंने, कैसे दे दिया था, ऐसे था। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक इसका एक और स्लोप आएगा -2a by r भी आएगा। अब पूछो ये कहां से आ गया, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा पूरा फिगर से निकाला है ना, तो एक ऐसा भी बन सकता है जस्ट इसी का मिरर इमेज, यहां से जब ऐसे इस तरह का फिगर बनाए, समझ रहे, एक नीचे भी बन सकता है ना। तो दो ऑप्शन आएगा, एक -2a by r और एक +2a by r, मतलब एक ये वाला होगा और ये इसका स्लोप आ जाएगा -2a by r, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस वाला 2a by r, क्लियर। यही क्वेश्चन था, वैसे आया था आप लोगों का आंसर, आधा आया था, कर लो नोट, जल्दी नोट करो, आधा था। हाँ मैंने भी देखा था एक क्वेश्चन, वो कॉमन कार्ड वाला जो फंसा था, याद है जो के का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन आधा है, वो मतलब कॉमन कार्ड नहीं दिया था उसमें, वो क्वेश्चन मैंने देखा था बाद में, तुम लोग भी देखा था, बहुत अच्छा, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, एक सर्किल निकाले थे ना, कॉमन कार्ड बनाए थे, याद है ना, वो क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ दिया गया है। कहाँ कंफ्यूजन में ही था आंसर, मतलब बाय चांस हम लोग वहां पहुंच गए थे, बाकी वो लाइन होता तो क्लियर हो जाता बात, उस पर बात श्योर कहाँ हुई थी उस चीज पे, तुम लोग तो ही नहीं श्योर हो रहा था, मैं तो वही गया था। चलो अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लिया इसको सर, माइनस वाला भी होगा, सेम चीज ऊपर नीचे एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसमें टी को एक्चुअल पॉजिटिव पैरामीटर, जैसे टी जो आएगा यहाँ पर पॉजिटिव वाला आएगा,
इस केस में मान लो निगेटिव वाला आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का सेटअप बनेगा, निगेटिव निगेटिव, तो इसी नाते वो बिठा दे इसको। फिगर तो आप लोग बनाए ही थे उस दिन यार, चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फोकल कार्ड पे आ जाते हैं, फोकल कार्ड क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया? हाँ अरे बोलो, काहे शर्मा रहे हो, बोलो तब समझाएंगे ना। देखो वो कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, क्यों वो कैलकुलेशन नहीं आया समझ में? गजब आदमी हो गया। चलो ठीक है, फोकल कार्ड थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, सुनो। हाँ क्या हुआ, एलसीडी क्या हो रहा है? अबे तोड़ मत देना, बस सब सही है, नहीं तोड़ना नहीं है, ठीक, कीप क्वाइट, अब चुप हो जाओ। फोकल कार्ड पे देखते हैं, तो सुनो जरा, जैसे कोई भी लाइन जिसका एंड पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है उसको हम लोग कार्ड बोलते हैं, और वही कार्ड जब फोकस से पास होने वाला, पास हो जाता फोकस से, तो क्या बोलते हैं, फोकल कार्ड। जैसे मैं एक फिगर बनाऊं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है। एक लोग मेरे ख्याल से बोल देते हैं उधर का थोड़ा सा साउंड स्लो कर देते ना, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पता नहीं अरे ये तार भी तो बड़ा है यार। अरे भैया थोड़ा सा आवाज नहीं, इस वाले क्लास का माइक कुछ ज्यादा ही तेज है, यहाँ तक आ रहा पूरा। चलो इधर देखो, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले आप ये जान लो, देखो मैंने ये कार्ड PQ लिया है जो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है हम लोगों को कि एक जैसे कार्ड तो कोई भी हो सकता है, वो कहीं से भी पास करे, इसके एक्सिस को इंटरसेक्ट कर भी सकता है, मतलब इंटरनली और बाहर की तरफ भी करता है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में जैसे था। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फोकल कार्ड का बात करेंगे तो उसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर किसी भी कार्ड को फोकल कार्ड बोलेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब कंडीशन फॉर फोकल कार्ड, समझ रहे हो बात। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको T1 पॉइंट मानेंगे और इसको T2। तो वही होगा कि अगर कोई कार्ड है फोकल कार्ड जिसका एक्सट्रामेटीज T1 T2 है, T1 T2 मतलब उन पॉइंट्स का पैरामीटर, तो उस पैरामीटर में रिलेशन क्या आएगा। तो वो चीज करने के लिए यहां से लिखते हैं कंडीशन फॉर फोकल कार्ड, एक बहुत ही सिंपल सा कंडीशन आता है, कंडीशन फॉर फोकल कार्ड। तो आप अगर इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको पूरा लिख देते हैं क्योंकि मैं यहां स्लोप यूज करने वाला हूं, टी T1 और AT2 स्क्वायर टी T2, क्लियर है। अब देखो जरा यहां से कि S से P पर जाओ और S से Q पर चले जाओ, चूंकि सेम लाइन है, मतलब तीनों पॉइंट P S Q कोलिनियर है, तो ऐसा कुछ बनने वाला है, दोनों का स्लोप सेम आएगा ना, स्लिप जो है इसका रखा हो सेम, तो ट्वाइज ए T1 माइनस जीरो अपान AT1 स्क्वायर माइनस का ए, और ट्वाइज ए T2 माइनस जीरो अब आ जाएगा AT2 स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। यहाँ जो है 2A T1 बचा, और ये क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से ए कॉमन हो रहा है T1 स्क्वायर माइनस का वन, और यहाँ जो है फिर अच्छा वो तो वही सेम चीज बचेगा, और क्या कॉमन हो रहा है ए यहाँ पर भी, ये ऐसा कैंसिल हुआ, 2A का पूरा पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, क्लियर है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करा लेते हैं यहाँ से,
क्रॉस मल्टीप्लाई कराना मेरे ख्याल से ज्यादा ही सही पड़ेगा। कि और कोई जुगाड़ लग सकता है यहाँ? हाँ लग सकता है जुगाड़। टी वन माइनस टी टू, टी वन प्लस टी टू, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो टी वन टी टू का स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू, इसका इसमें करा चुके हैं, इसका इसमें कराओ। ठीक है ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, टी वन स्क्वायर टी टू और माइनस का टी टू, ठीक है समझ रहे बात। ले चलो सबको उधर, इसको भी चलो, इस क्या करते हैं ऐसे थोड़ा सा यहां से देखना, तो सब लोग ये जो टर्म है, ठीक 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 तेज और बोल रहा हूं, ये जो टर्म है इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना इधर आकर के, माइनस का टी वन टी टू स्क्वायर, और इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो टी टू माइनस टी वन। अब यहां से आप टी वन टी टू कॉमन कर लो, ठीक है, तो बचेगा T1 माइनस टी टू, और यहाँ पर माइनस T1 कॉमन, माइनस कॉमन कर लो केवल, तो T1 माइनस टी टू, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल इस ना। अच्छा मान लो आप इसको उधर ले जाके कॉमन भी कर लेते तो उसको इक्वेट करते जीरो के, तो T1 बराबर T2 आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, S तो उसके बीच में आ चुका है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये फैक्टर वैसे भी कैंसिल होना है, ठीक है। तो यहाँ से जो बचा T1 T2 का प्रोडक्ट आ गया माइनस का वन, दिस इज द कंडीशन फॉर फोकल कार्ड, समझे हो क्यों, कर लो नोट। अब देखो जो T1 T2 का रिलेशन लिखवा रहा था, जैसे हम दो चीज बता चुके हैं ऑलरेडी, T1 प्लस T2 जब 2 होता है तो क्या होता है T, अरे ठीक है, T1 T2 का प्रोडक्ट जब माइनस फोर होता है, ये भी बता चुका हूँ, और ये T1 T2 का प्रोडक्ट माइनस वन, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। बात नहीं, अरे दस रात थोड़ा तेजी से नोट करो आप लोग इसको। अरे इसका नया एडिशन हुआ है क्या? हो गया, वेरी गुड, बैठाए अभी नहीं हुआ क्या? थोड़ा जल्दी नोट करो, यार संडे सही रहता, आ जाओगे एक्स्ट्रा क्लास में, कल सर कल ध्यान रहे, कीप क्वाइट, ध्यान रहे, आज नवंबर का लास्ट है, कल से दिसंबर लग जाएगा, ठीक है, और आपके पास गिने चुने दिन बस बचे हैं। अरे शाम में मेरा क्लास है यार, समझता नहीं तुम लोग, चलो ठीक है अभी मैं बता दूंगा आपको, ये लिख लिया आप लोगों ने, तो यहां पर देखो एक कंडीशन पहले तो यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं इसको, कि अगर कोई भी लाइन फोकल कार्ड बना रहा है तो उसके पैरामीटर्स, एंड्स पॉइंट के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का वन आएगा, ये रिजल्ट हम लोग बाद में यूज करेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलो इधर देखो सभी लोग, इसका लेंथ के इसमें क्या है ना, फोकल कार्ड के लेंथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं, छोटा सा फार्मूला बनेगा, याद रखना आप लोग उसको, लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू क्या है, वही फोकल कार्ड, ठीक है। तो देखो इसको,
वैसे तो फार्मूला आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ लगाते हैं। देख रहे हो सब लोग, यहाँ से वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इतना में से इतना, ठीक है। तो पी क्यू ए टी वन स्क्वायर ए टी टू स्क्वायर और ट्वाइज ए टी वन ट्वाइज ए टी टू का होल स्क्वायर। दिख नहीं रहा है? पानी सूख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से ए ए कॉमन होगा, स्क्वायर के बाहर निकलेगा ए स्क्वायर, और यहाँ से भी सेम चीज वही, तो वो फाइनली अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन है ना। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी शायद स्क्वायर ही था, ए टी वन स्क्वायर ट्वाइज टी टू स्क्वायर, ये स्क्वायर के अंदर टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर जनरेट हो रहा है, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी जनरेट होगा, तो ए माइनस बी जो टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर वो भी कॉमन होगा, तो वो भी अंडर रूट के बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो मॉड लगा के बाहर निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, नेगेटिव ना हो जाए इस नाते कुछ ऐसे, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस का होल, ये सिंपल सा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी भी कार्ड का लेंथ हो सकता है, किसी भी कार्ड के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इस पर फोकल कार्ड का कंडीशन अप्लाई नहीं किए हैं, ये कर दिए हैं मेरे ख्याल से नहीं किए हैं, ठीक है। अब इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखो टी वन टी टू का प्रोडक्ट कितना था माइनस वन, तो यहाँ से शायद मैं टी टू की जगह माइनस का वन अपॉन टी वन रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। चलो पी क्यू तो निकाल देते हैं यहाँ से, तो ए टी वन और माइनस टी टू, ठीक है, टी टू की जगह जैसे ही रिप्लेस करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ टी वन माइनस वन बाई टी वन का होल स्क्वायर प्लस का फोर बनेगा, ठीक है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो ये शायद जो है टी वन प्लस वन बाई टी वन का होल स्क्वायर बन रहा है अंडर रूट के अंदर, तो वो सेम फैक्टर बाहर भी निकलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब जो टी वन हम लोग रखे थे यहाँ वन बाई टी वन, इसको वापस रिप्लेस कर दो, मतलब वन बाई टी वन को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस टी टू से, ये था ना ऐसे। तो यहाँ से एक सिंपल सा फार्मूला निकल के आया, ए टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर। तो यही चीज आपको याद रखना, मतलब पैरामीटर्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और पैराबोला का जो ए वाला पैरामीटर होता है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फोकल कार्ड का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज आप लोग लगे हाथ यहाँ से और समझ लो, देखो देख रहे हो ना तुम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग टी वन टी टू को सेम साइन का कोई पैरामीटर, टी वन टी टू मतलब सेम साइन के अपोजिट साइन होगा, यहाँ शायद प्रोडक्ट माइनस होना आ रहा है, बशर्ते ये जो एक्सप्रेशन बनेगा इसका सेम साइन बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन जी एम का एक कॉन्सेप्ट लगाएं, मतलब कुछ मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि टी वन प्लस वन बाई टी वन बाई टू टी वन इंटू वन बाई टी वन, लिख सकता हूँ इतना ए एम जी एम, ये यहाँ से कैंसिल होगा, बनेगा वन, तो बचेगा कितना टी वन प्लस वन बाई टी वन जो होगा ग्रेटर आर इक्वल देन टू हो जाएगा। क्लियर? टी वन प्लस वन बाई टी वन, अगर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूं, पैराबोला राइट वर्ड का है तो ए को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जरा इसी का आप होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करना सही पड़ेगा, ए स्क्वायर वहां जनरेट नहीं हो रहा ना, क्यों? हाँ ये तो स्क्वायर यहाँ से आया था, होल स्क्वायर मान लो हम लोग कर देते हैं, एक काम करते हैं ना, फिलहाल अभी होल स्क्वायर करो इतने से, तो टी वन प्लस वन बाई टी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन फोर, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, साइड एरो बना करके, चलो यही समझ लो बगल में। एक काम करो, अब यहाँ ना ए से मल्टीप्लाई कराओ तो टी वन प्लस वन बाई टी वन का होल स्क्वायर फोर ए आ गया। अब देखो ये कितना अच्छा बात आया, ये जो आया फोकल कार्ड और ये आया एल आर, आया कुछ समझ में? मतलब कि जो फोकल कार्ड होता है उसका मिनिमम लेंथ कितना हो सकता है, एल आर के इक्वल, लैटिस रेक्टम के इक्वल हो सकता है, समझ में आया? तो अगर मान लो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन कहीं पर
फ्रेम करता है लैंग्वेज कि एक फोकल कार्ड है, अगर उसका लेंथ मिनिमम है तो उसका इक्वेशन बताओ तो क्या होगा, लैटिस रेक्टम हो जाएगा। अगर कोई भी फोकल कार्ड है जिसका लेंथ मिनिमम हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो लैटिस रेक्टम आपको आता रहेगा, बस कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उसका लैंग्वेज बदल करके आपसे पूछ ले तो आप भूल जाओ। जैसे ऐसे पूछ ले कि सिंपल सा एक क्वेश्चन मान लो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, आपसे पूछ ले कि एक ये पैराबोला इसका एक कार्ड है ए बी जिसका लेंथ मिनिमम है, उसका स्लोप बताओ, इक्वेशन बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फोकल कार्ड अगर कोई है उसका लेंथ मिनिमम है तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, लैटिस रेक्टम। यही चीज मैं वहां पर बताया हूँ आपको। ठीक है, हाँ लिख लो, उसी के नीचे एक लाइन लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है तो मैं लिख देता हूँ, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कार्ड इक्वल टू लैटिस रेक्टम। ये आप जान भी गया होगा, हो गया इतना तेज बोलता गधा। क्या हुआ, हो गया नहीं हुआ, हो गया। अरे यार आप लोग बहुत लेट कर देता है ना, पूरा डेढ़ घंटे का पीरियड खत्म हो जाता है, एक से दो कॉन्सेप्ट हो पाता है केवल। अब तो मिटा दे रहे हैं पक्का। ये मिटा के कम से कम एक क्वेश्चन लिख दें यार। यस सर, यस सर। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, L इक्वल टू जीरो इज एनी कार्ड ऑफ पैराबोला व्हिच डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड वर्टेक्स इज 4, 0। फाइंड
इक्वेशन ऑफ एल इक्वल टू जीरो इफ इट्स लेंथ इज एनी फोकल कार्ड लिख लेना इज लेंथ इज मिनिमम। ठीक है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप पहले से जान चुके हो, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, आप लगा दो इसको जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, l इक्वल टू जीरो इज एनी फोकल कार्ड ऑफ पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड द वर्टेक्स इज 4, 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ l इक्वल टू जीरो, मतलब जो ये बात किया गया था पहले, जो फोकल कार्ड था, इफ इट्स लेंथ इज मिनिमम। तो आपको मैंने यहाँ क्या सिखाया कि अगर किसी भी फोकल कार्ड का लेंथ मिनिमम हुआ तो वो क्या बनेगा, लेटस रेक्टम। निकाल दो इक्वेशन, लेटस रेक्टम कहाँ से पास करता है, फोकस से, तो फोकस यहाँ निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से कर ले जाओगी जी, पहले इसका एक रफ फिगर जल्दी से बना लेना, तब काम बनेगा। हो गया, वो उधर वाला हो गया होगा ना। ये करूं मैं, तब तक फिगर बना देता हूं इसका। देखो डायरेक्ट्रिक्स इसका बन रहा है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और वर्टेक्स से पास होता हुआ कोई भी लाइन जो 4, 0 से मतलब इस पे परपेंडिकुलर बनेगा, अगर ये वर्टेक्स हुआ उसका उस केस में, तो ये z बनेगा। ठीक है, और लाइन दे दिया है, यही बीच का डिस्टेंस क्या होता है जी, a होता है। क्यों, और इसी a से आपको इधर जब चलोगे, क्योंकि आपको लेटस रेक्टम का एक क्वेश्चन निकालना, तो एक बात तो श्योर है कि इसी के पैरेलल ही होना है, हाँ होना है ना। तो आपको क्या करना है ना, जितना डिस्टेंस ये इधर आया उतना ही डिस्टेंस जब आप चलोगे इधर, ए डिस्टेंस, तो आपको ये एस मिलेगा। अब अगर यही जो है अल्फा बीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लेटस रेक्टम है, जो मिनिमम लेंथ का लेटस रेक्टम है, उसका जो इक्वेशन आने वाला जस्ट इसी के पैरेलल, x प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब लेमडा आपको तभी निकाल सकते हो जब ये पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग a निकाल लें, तो a तो शायद आसानी से निकल जा रहा है, तो वहां से देखो, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेगा आप लोग तो 5/√5 बनेगा, तो यह आ जा रहा है √5 a का वैल्यू। हाँ, तो √5 डिस्टेंस, इससे √5 डिस्टेंस पे इधर आना है आपको। अब कैसे करोगे, या तो पैरामेट्रिक पॉइंट लगाओ, हाँ लेकिन ध्यान रहे पैरामेट्रिक अगर आप लगाओगे ना तो आप उस साइड भी जा सकते हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और सुनो एक चीज और आप कर सकते हो, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मिल चुका है, तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस वो 2 ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि 2a लाइन पर एक पैरेलल लाइन इधर भी मिलेगा, एक उधर भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं, क्योंकि a निकल चुका है और ये लाइन भी आ चुका है। ठीक है, और बाकी ये पोजीशन हम लोग चेक करके सही वाला मतलब इसका फोकस निकाल लेंगे। तो यहां से देखो लेमडा का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो यहां से हम लोग क्या लेते हैं, C1 - C2, तो लेमडा माइनस बोलो 1/a² + b², ये मॉड में रहेगा, और इक्वल टू कितना जाएगा, 5 क्यों लगेगा, √5 ना, तो लेमडा माइनस 1 इक्वल टू ये √5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो लेमडा माइनस 1 प्लस कहां 2√5 है, अच्छा 2√5, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 होगा तो प्लस माइनस 10 आएगा, तो लेमडा का दो वैल्यू आया, एक आया
एक 9 आएगा, एक माइनस का 11 आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिए, 11 लिख दिए और माइनस का 9। अब समस्या ये है कि कौन सा वाला लेना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले का, ठीक है, यहाँ पर जैसे दो पॉसिबिलिटी हो रहा है, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, इन दोनों ही लाइनों के बीच में ये पॉइंट पड़ रहा है तो अपोजिट साइन देगा, क्यों अपोजिट साइन देगा। अगर हम लोग लेमडा जैसे 2a डिस्टेंस पे उधर वाला लाइन ले लेंगे और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजिशन चेक करेंगे तो क्या देगा, सेम साइन, क्योंकि सेम साइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक लाइन को ही वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि सही आया तो सही हो जाएगा, गलत आया तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, बस। तो हम लोग इसको सही कराएं, तो इस पॉइंट को इसमें लाके डायरेक्ट फिल करो, शायद प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है, अबे गधा देखो ना, 4 + 1 = 5, इसको ला करके फिर इसमें फिल करो, क्या आ रहा है, 5 बनेगा यहाँ, सॉरी 4 बनेगा, निगेटिव आ जा रहा है। तो हमारा करेक्ट वाला आंसर कौन सा हुआ, ये हो गया, क्लियर। हाँ, ये कैसे चेक किया मैंने, अगर इसमें 4, 0 आप इस लाइन में फिल करो तो ये नेगेटिव साइन दिया, सॉरी पॉजिटिव साइन दिया, और इसको हमने चेक किया 4, 0 फिल करके तो ये नेगेटिव साइन दे दिया। तो इसका मतलब क्या, अरे उल्टा बोल दिए, नेगेटिव, सॉरी हाँ ठीक, यही साइन बनेगा, यही नेगेटिव वाला ही चाहिए हमको, क्योंकि अपोजिट साइन बनना है ना, कर लो नोटिस को। तो ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना चाहिए जिससे मतलब काम जो है आसानी से निपट जाए। हाँ, किसी नाते पोजीशन मैंने आपको सिखाया था, पोजीशन कभी कभी काफ़ी काम आसान कर देता है। अब चलो एक और कॉन्सेप्ट इसमें लिखते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड इंक्लाइंड विथ या विथ स्लोप, वो अल्फा डिग्री पे जो इंक्लाइंड होता है, ये मिटा दें क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कोई पार्ट जिसको ना समझ में आया हो, देखो पैरामेट्रिक अगर आप लोग लगाते हैं ना, तो उसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ कि कैसे आप पहचानोगे ना, यही समस्या ना। तो उसके लिए आप क्या करो कि पैरामेट्रिक कहाँ से लगाए हो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, मतलब ए डिस्टेंस पे, तो दो पॉइंट आया होगा, तो एक पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर देगा ना, और जो सेटिस्फाई कर देगा उसको मत लेना, दूसरा वाला लेना, ऐसे कर सकते हैं ना चेक। अब देखो डिपेंड करता है, चेक करना, जैसे पैरामेट्रिक मान लो यहाँ से आपने लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ से तो कतई मत लगाना यार, कोई मतलब नहीं, यहाँ से लगाना स्टार्ट करो, ठीक है, तो उनमें से एक पॉइंट ये पे मिलेगा, जेड मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये मिलेगा, तो जो सेटिस्फाई कर दिया उसको नहीं लेना है, ये कैसे चेक कर सकते हो। एक तरीका मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये लाइन भी बड़ा छोटा छोटा है, पॉइंट का भी मतलब छोटा कैलकुलेशन ही दिया, आप इसका क्या करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो और मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके ये निकाल लो, तो डायरेक्ट उससे भी आ जाएगा, चेक करने का टेंशन ही नहीं रहेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और डायरेक्ट जो है मिड पॉइंट, मतलब इसमें 2 का गुणा करा के एक्स घटाओ अल्फा आ जाएगा, 2 का गुणा करा के वाई घटाओ बीटा आ जाएगा, काम बन जाएगा ऐसे भी, मतलब डिपेंड करता है बहुत सारा, मतलब जो भी तरीका आपके दिमाग में पहले आ जाए लगाना स्टार्ट कर दो उसको, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इंक्लाइंड अल्फा एंगल विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, हार्मोनिक मीन एक फैक्टर होता है, मतलब वो जनरेट होता है, तो वही चीज सिखाया जाता है यहाँ से, देखो जरा, सब लोग देख रहे हो ना, हाँ तब तक फिगर में बना देता हूँ ना, टाइम बच जाएगा हम लोग का, ना बनाए, लोग का दिमाग खराब हो गया, कह तू ना बनाए, Thank you.
यहाँ पर हमको डायरेक्ट्रिक्स का हेल्प भी लेना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट्रिक्स भी बना देता हूँ इसका। ये लाइन x इक्वल टू जीरो बनेगी, ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का a बनेगा, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a, ठीक है। और यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर मान लो ड्रॉप करते हैं, मान लेते हैं ये m आया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं मान लेते हैं n आया, ठीक है। और ये पॉइंट भी जेड ले लेते हैं। अब सुनो जरा, सुन लो सभी लोग, ये जो इतना सेटअप बना है ना, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब लोग देख लो। ये पैराबोला बना, एक कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है, जो फोकस से पास हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है एस से। और कंडीशन यही कि अगर इस कॉर्ड का इंक्लाइनेशन अल्फा हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, तो इंक्लाइनेशन अल्फा अगर दिया गया है तो अल्फा के टर्म में इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या किया, ये पूरा सेटअप बनाया, फिर पी से हम इस पर इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और इससे यहाँ पर भी ड्रॉप किए, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा लेना है, इसमें क्या करता है कि हम लोग इस कॉर्ड का लेंथ बाय पार्ट निकालते हैं, मतलब जो एक्सिस के ऊपर है उसको कुछ और, मतलब मान लेंगे कोई पर्टिकुलर लेंथ L1 और L2, तो यहाँ पर जो हम लोगों को मेन मेन चीज फाइंड करना है L1 प्लस L2, मतलब पूरा वही कंप्लीट फोकल लेंथ निकालना है इन टर्म ऑफ अल्फा, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ जरूरत पड़ेगा ये सब चीज करने का। L2 यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर आया कैपिटल A और ये परपेंडिकुलर जो आया कैपिटल B, ठीक है। तो ये मिटा दे फिगर इधर वाला, ये हो गया ना, चलो अब फिगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, शुरू किया जाए। अच्छा एक बात यहाँ से बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस हुआ, तो ये बेस कितना बन जाएगा, L1 cos अल्फा, और यहाँ पर ये जो बेस कितना बन जाएगा, L2 cos अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा इधर भी आ जाएगा ना वर्टिकली अपोजिट से, क्यों, चलो ठीक है। अब यहाँ से बताओ जो PS लेंथ है, PS क्लियर, ये PS PM के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, ठीक yes, अगर ये PS PM के इक्वल हो गया है, इसका लेंथ L1 क्लियर, ये PS जो है जो PM के इक्वल हो गया है, ये PM क्या ZB के इक्वल हो जाएगा, डेफिनेशन yes, ऑफ पैराबोला हो जाएगा ना, ZB को क्या हम लोग जेड जेड ओ प्लस ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखो पूरा यहां से यहां तक, तो यहां तक ब्रेक कर दिए। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, उधर का लेंथ ए है और इधर का लेंथ यहां तक का निकालना, तो यहां तक का भी ए है, ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है, एल वन कॉज अल्फा, तो ए प्लस एल वन कॉज अल्फा, इसको उधर ले जाओ और कॉमन ले लो एल वन, तो वन माइनस कॉज अल्फा इक्व टू टू ए हो जाएगा, और L1 कितना मिलेगा, 2a 1 माइनस cos अल्फा, एक पार्ट तो आ गया। अब थोड़ा सा दूसरा वाला पार्ट में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ गया होगा इतना अभी तक, तो qn है डायरेक्ट, ठीक है, qn जो है बाय डेफिनेशन किसके इक्वल हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी एक मिनट एक मिनट, qs है ये qn के इक्वल हो जाएगा, और qn जो है za के इक्वल होगा, तो उसका जब लेंथ लिखेंगे तो a प्लस a माइनस L2 कॉज अल्फा, ये ए में से घटाने का जरूरत पड़ेगा, हमको यहां तक का ही लेंथ चाहिए ना, तो इधर वाला लेंथ क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और ये लेंथ है L2, इधर ले जाओ L2 कॉमन करो, तो 1 प्लस कॉज अल्फा इक्वल्स टू 2a होगा, और L2 आ गया कितना, 2a 1 प्लस कॉज अल्फा, क्लियर हुआ। अब हम लोगों को क्या चाहिए था जी, लेंथ PQ, तो PQ जो था वो किसके इक्वल है, L1 प्लस L2 के इक्वल है, सब वैल्यू रखो, 2a 1 माइनस कॉज अल्फा और 2a 1 प्लस कॉज अल्फा। अब थोड़ा सा देखो यहाँ दिमाग लगाते हैं, सस्ते में काम निपटे, ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर पहले कॉमन कर लिए, उसके बाद वापस हम लोग एलसीएम ले लिए, और नीचे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, a माइनस बी ए प्लस बी का फैक्टर जनरेट हो रहा है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा, ये यहाँ से खत्म हो गया, 2 बचेगा ऊपर,
और बाहर 2a है तो 4a, और नीचे साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा ही जनरेट होगा, तो ऊपर जाकर के 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये आ गया फोकल कार्ड का लेंथ, ठीक है। कल उन्होंने थोड़ा सा जगह कम था इसी नाते मैंने कुछ स्टेप ऐसे ही कर दिया, याद रखना इसको, ये आपको प्रोसीजर याद करने की जरूरत नहीं, ये लेंथ याद कर लेना, अगर कहीं आ गया तो अच्छी बात है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? क्यों थोड़ा जल्दी लिखो इसको। एक इसमें हार्मोनिक मीन का भी सेटअप बनता है, याद है किसी को? क्यों यहाँ पर L1 L2 का जो है इसके लैटस रेक्टम के साथ, शायद सेमी लैटस रेक्टम के साथ हार्मोनिक कंजुगेट का रिलेशन जनरेट होता है, याद है किसी को? तुम लोगों को तो वही से भी नहीं याद रहता। भाई आपको क्या लगता है कि मतलब एकदम कंफर्ट जोन में पढ़ाई करोगे सेलेक्ट हो जाओगे? अगर ऐसे ही होता तो सब लोग जो है इंजीनियर बन गए होते, IIT NIT उनके लिए मजाक हो जाता। कुछ बड़ी चीज पाने के लिए कुछ त्याग करना तो पड़ेगा ही, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में करो। मैट्रिक डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाया गया? पढ़ा दिया जाएगा, मैं ही पढ़ा दूंगा, आवाज नहीं, परमोटेशन भी बचा है तुम लोगों में। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके चक्कर में मत रहना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया ही नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं, अगर सर पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना। अब अगर आवाज की तुम्हें मिटा दूंगा, बता दे रहा हूँ, चुप हो जाओ नहीं तो। तो ये अभी तो फिगर ड्रॉप करना शुरू किया। बेटा मुझे तुम लोगों का भविष्य दिख रहा है, ठीक है, आराम करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को भी मेरा दिख रहा है क्या? दशरथ को दिख रहा है? मैं नहीं। अच्छा फिगर एटलीस्ट मिटा देते हैं, ये तुम इसके से देख लेना, मिटा देते हैं। ये आगे बैठ करके इतना स्लो रहता है कि क्या बताऊं। जो देखो एक काम करते हैं ना, ये हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2 ये थोड़ा सा कैलकुलेट करो। हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2 टू टाइम्स L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 ये बनेगा जी, बोलो। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। L1 और L2 का वैल्यू दे दिया गया है तो टू टाइम्स कुछ ऐसे 1 माइनस कॉज अल्फा और 1 प्लस कॉज अल्फा। और L1 L2 मींस क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, जो कि निकाल चुके हैं तो वापस मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कॉसेक स्क्वायर अल्फा को आजकल जो एक नया ट्रेड चला है, मतलब नया नहीं 4-5 साल हो गया, CSC बोलते हैं, ठीक है, हाँ तो याद रखना। अच्छा CSC बोलते नहीं, पढ़ते इसको लिखते ऐसे हैं, पढ़ते कॉसेक ही हैं, समझ रहे हो बात, आज को CSC मत बोलना, पढ़ते कॉसेक ही हैं, लिखते बस ऐसे हैं,
हाँ नहीं तो आ जाए दोस्तों की नया टेक्नोमेट्रिक रेशियो आ गया क्या मार्केट में, 2 2 4 2 8 ए स्क्वायर और 1 cos² alpha और ये चीज ऊपर जाएगा तो 1/4a sin² alpha बनेगा। तो ये पूरा यहाँ से खत्म हुआ और ये पूरा खत्म होकर 4 2 8 2a आया, ठीक है। तो फाइनली बचा कितना 2a, ठीक है। ये है क्या वैसे जी, सेमी एलआर। सो हम लोग बोल सकता है कि L1 सेमी एलआर, चल ठीक है रहें तो क्या वही चीज लिखेगा, मतलब वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देंगे कुछ ऐसे, L1 2a L2 इसमें होगा HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है ये सब, तो याद रखना। वैसे आपके सीट में एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा, ये बाई पार्ट जो है बोलेगा एक्सिस के ऊपर का लेंथ इतना, एक्सिस के नीचे का लेंथ इतना दिया है, ऐसे क्वेश्चन है आपके सीट में, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ पूछा है, तो इसी फॉर्मेट में ला के रखना पड़ेगा। सीट लाया कोई लोग, लाओ मैं बता दूं कहाँ पे है। आज मिल जाएगा, हो गया। अब तो हो गया होगा, बहुत टाइम लगा देते हो यार आप लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बात नहीं देखा जी, बोले क्वेश्चन एक, अच्छा लिखो एक क्वेश्चन, बोले लिखो इफ T1 एंड T2, क्वेश्चन लिखो इफ T1 एंड T2 if t1 and t2 are the ends of parameter ends of point if t1 and t2 are the ends of point a and b satisfying are the ends of the point satisfying t1 into t2 equals to k T1 into T2 equals to K, मतलब आप ऐसे समझ लो कि अभी एक पैराबोला बोलेंगे आगे, ठीक है। तो T1 और T2 कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके पैरामीटर्स ये हैं T1 और T2, ठीक है। जो T1 into T2 equal to K को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, ये T1 T2 का नाम नहीं कुछ दिया हूँ क्या, एक मिनट कॉपी लाओ, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ हो जा रहा है। Ends of A and B लिखा तो है,
ए एंड बी पॉइंट है, इफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, इफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, देन फाइंड, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट, ठीक है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर आपको कुछ उसमें समझ नहीं आ रहा फिर आप लोग एक बार कोशिश कर लो। देखो दो पॉइंट्स हैं, जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, इसका एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये मान लेते हैं यही पॉइंट से ए टी वन और वी टी टू, मतलब टी वन टी टू कोई दो पॉइंट थे इस पैराबोला पर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। ध्यान है यहाँ के हम कॉन्स्टेंट लिए हैं, के क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो अगर टी वन टी टू का प्रोडक्ट के जो है, के मतलब कॉन्स्टेंट है, तो कह रहा है कि ये जो ए और बी है ना, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, समझ रहे बात, मतलब पैरामीटर टी वन टी टू आप बदलोगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए तो ए बी जो लाइन होगा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, उसी फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए पैराबोला कभी ए बी ऐसे हुआ कभी ऐसे हुआ, तो एक फिक्स पॉइंट मिल रहा ना इसे, ऐसे बहुत सारा मिलेगा कि नहीं, टी वन टी टू पैरामीटर बदलोगे तो मिलेगा ना, तो यही फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। लगाओ दिमाग, शुरू हो जाओ। हाँ वो अगर ये k का वैल्यू हम लोग माइनस वन ले लेते हैं तब तो ये फोकल कार्ड बन जाएगा, और जब फोकल कार्ड बन जाएगा तो जितने भी मतलब t1 t2 का प्रोडक्ट माइनस वन ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जितने t1 t2 निकालेंगे वो सभी कार्ड कहाँ से पास करेंगे, फोकस से। तो ये क्वेश्चन उसी का जनरलाइज फेज है, मतलब आप समझो ये क्वेश्चन आप लगा ले गए ना तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। टी वन टी टू का अभी जो एक करवाए थे ना, टी वन टी टू का वैल्यू जो माइनस फोर वाला कराए थे याद है, हाँ तो के का वैल्यू माइनस फोर ले लो, तो वहां से वो कैसा कार्ड मिला था जो उसके वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा था, तो ऐसे बहुत सारा मिलेगा। बहरहाल आप इसका ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसको लगाओ। आपके पास केवल और केवल 40 सेकंड का टाइम है, लगा तो नहीं, मतलब लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो फिर मैं बताऊंगा उसको। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप कॉर्ड ए बी का एक क्वेश्चन निकालो और वहाँ से कुछ जुगाड़ लगाओ, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराते हुए कुछ जुगाड़ लगाओ, लग जाएगा वहाँ से। कॉर्ड ए बी का एक क्वेश्चन निकालो पहले, हाँ हाँ ये दो पॉइंट हो गया तो हाँ सेटिस्फाई कराओगे, नहीं मॉडिफाइड क्वेश्चन, आप इसको ऐसे नहीं ले, अल्फा बीटा अगर आप मानोगे तो फिर फंस जाओगे, आप अल्फा बीटा वेरिएबल मान लिए ठीक है, लेकिन उसको निकालोगे कहाँ से, क्वेश्चन तो आपके पास एक ही रहेगा कहाँ से, और हाँ हाँ उसी पे लाई करेगा वो फिक्स पॉइंट, उसी पे लाई करेगा, ये कैसे पता चला उसी पे लाई करेगा, मतलब ये पैराबोला के एक्सिस पे ही लाई करेगा, कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो क्या जरूरी है कि वो फिक्स पॉइंट इसी पे लाई करे, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, कहीं भी बहरहाल इस क्वेश्चन में वहीं पे लाई करता, ये बात अलग है, लेकिन हम पहले कैसे बोल सकते हैं कि वहीं पे लाई करेगा, पहले नहीं बोल सकते ना। चलो ठीक है, इधर देखो, कॉर्ड ए बी का एक क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, तो वाई माइनस वाई वन ये वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं, ट्वाइज ए टी वन, और स्लोप आपको मैं लिखवाया था
इसी नाते मैंने लिखवा दिया था क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है, तो मैंने उसी समय बता दिया कि कहानी इसका सही रहेगा आगे। और x माइनस ए टी वन स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो ना, क्या करोगे यहाँ, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। t1 वन प्लस टी टू वाई माइनस, ये मल्टीप्लाई कराई दो इसको, टू ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन टी टू, क्लियर। और ये हो जाएगा 2x माइनस टू ए टी वन स्क्वायर। आप समझ गए होगे, मल्टीप्लाई हुआ था तो उसका फायदा भी मिल रहा है, ये टर्म हो गया कैंसिल, क्लियर। अब कैंसिल हो गया, थोड़ा सा यहाँ दिमाग, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, 2x इसको इधर लाओ, t1 वन प्लस टी टू वाई इसको तो ये आएगा, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2a, और यहां बच क्या रहा है t1 वन प्लस टी टू, क्यों। और आपको पता है कि t1 वन टी टू जो बच रहा है, मतलब ये चीज जो है इतना, ये k था ना, तो यहां पर हम k अगर रखते हैं 2ak इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, समझ रहे हो बात। अब आप देखो ये एक वेरिएबल लाइन है, हाँ बोलो, है ना वेरिएबल लाइन। तो अगर हमको इस लाइन को एक फिक्स पॉइंट से पास कराना है, तो ये जो है अपने कैटेगरी का एक इकलौता क्वेश्चन है शायद, जो आप देखने जा रहे हो तो सोच लो, मतलब देख लो, यहाँ से बहुत चीज सीख जाओगे। जब किसी वेरिएबल लाइन को एक फिक्स पॉइंट से पास कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके वेरिएबल पार्ट को जीरो कर देते हैं, कुछ भी करके वेरिएबल पार्ट को जीरो कर देते हैं, समझ रहे हो बात, क्या कर देते हैं जीरो। और यहाँ अगर आप साफ साफ देखो तो ये कांस्टेंट है, ये तो पहले से मैं बोल रखा हूँ कांस्टेंट, तो बदल केवल रहा है ये। तो अगर इसको फिक्स पॉइंट से पास कराना है तो दिस टर्म मस्ट बी जीरो, समझ रहे हो बात। तो अगर ये टर्म हो गया जीरो तो आप देखो जरा क्या बचेगा, टू, मतलब ये टर्म जीरो होने का मतलब यहाँ से वाई इक्वल टू जीरो आप लोग, हाँ, देन आपको जो बचा हुआ चीज मिलेगा टू एक्स प्लस टू ए के इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस का ए के, ठीक है। तो इस तरह से जो फिक्स पॉइंट आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या, माइनस का ए के कामा जीरो, वाई जीरो ले चुके हो ना। अरे यार इस लाइन, मतलब इस लाइन का वेरिएबल पार्ट y के पास था, उसी को मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। और जब खत्म कर दिए तो ये तो फिक्स आ गया ना फिर, तो आप यहाँ टी वन टी टू का कुछ भी वैल्यू ले लो, होना तो जीरो ही है उसको कि नहीं होना है, नहीं होगा, हो जाएगा जीरो। अब देखो बाकी क्वेश्चन इसी से जरा कराते हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि टी वन टी टू का जब प्रोडक्ट माइनस वन आता था तो वो फिक्स लाइन मीन्स फोकल कार्ड बन जाता था, तो फिक्स पॉइंट फोकस आता था। तो यहाँ के का वैल्यू कितना है वैसे माइनस वन, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला का जरा ये रखो, देखो क्या फोकस आता है यहाँ से, आ गया ना फोकस, फिक्स पॉइंट आ गया ना। इसके पहले फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि T1 T2 का जब दो कार्ड के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट, मतलब इन पॉइंट के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट जब माइनस फोर आता था तो वो कार्ड जो है क्या सबटेंड करता था उसके वर्टेक्स पे 90 डिग्री ना। तो यहां से वो फिक्स पॉइंट अगर आप निकालना चाहो तो वो आ जाएगा K का वैल्यू यहां से, अच्छा ध्यान रहे K का वैल्यू यहां कितना है माइनस फोर, तो सॉरी ये पॉइंट आया माइनस ए और माइनस फोर कामा जीरो रखेंगे तो यह आ जाएगा फोर ए कामा जीरो। अब मान लो वो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स दे देता आपको, तो पॉइंट क्या आ जाता सिंपल सा फोर ए कामा जीरो। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस समझने भर का देरी है, के का वैल्यू बदलता जाएगा फिक्स पॉइंट आप निकालते जाओ, बस ये रिलेशन और ये रिलेशन आप याद कर लेना, समझ रहे हो बात, नहीं समझ आया, नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, मार के गिरा दूंगा बता दे रहा हूँ, देखो इधर गधा लोग। यही कह रहा था फिगर ऐसे बनेगा, मान लेते हैं वो फिक्स पॉइंट जो आया है माइनस ए के कामा जीरो, वैसे अगर टी वन टी टू का प्रोडक्ट माइनस के दे दिए होते हम यहाँ क्वेश्चन में पहले से ध्यान नहीं दिए थोड़ा, तो ये सिंपल सा आ जाता, थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को, ऑड भी लग रहा होगा ये, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं, के का वैल्यू कंपेयर होकर पॉजिटिव बना देगा, तो जैसे भी वो कंडीशन बनेगा, सॉरी ये फिक्स पॉइंट ऐसे ही कार्ड सब पास करेंगे। क्यों फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, क्योंकि आपने इस लाइन का वाई जीरो कर दिया है, और वाई जीरो होने का मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देगा, समझ रहे हो बात, तो फिक्स पॉइंट ही तो हुआ। और ऐसा एक चीज और ध्यान रखना, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन दे रहा है तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो फिक्स आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्स में, बताओ क्या एक्स में यहाँ टी वन टी टू इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है ना, और टी वन टी टू इन्वॉल्व है के टर्म में, लेकिन के तो बदल ही नहीं रहा, ये पहले से बोल दिया कॉन्स्टेंट है ना।
तो जब ये कांस्टेंट ये भी नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट हो गया ना। ठीक, तो यही चीज समझा रहा था, कर लो नोट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी एकदम दिमाग में सेव रखना है, भूलना नहीं है इसको। तो ये पॉइंट जो हम लोग निकाले ये आया माइनस ए के कामा जीरो, ठीक है। अच्छा सुनो, अब जैसे मैं यही क्वेश्चन पूछ लेता कि T1 T2 किसी कार्ड के पैरामीटर्स के एंड पॉइंट हैं जिनका प्रोडक्ट -10 आ रहा है, तो वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। पैराबोला मान लो मैं दे देता हूं y2 = 4x, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है वो कार्ड, तो क्या आ जाएगा फिक्स पॉइंट? -10, 0। सिंपली कितना आ जाएगा? 10, 0, ठीक है। हाँ, तो याद रखना ये सब बात। चलो टेंजेंट पे आते हैं। समझ में आया? तो कारण में बोला, तो कारण में यही बोला, दिस इज अ वेरिएबल लाइन, एंड अगर हम लोगों को इस पे एक फिक्स पॉइंट से इसको पास कराना है तो वेरिएबल पार्ट को जीरो करो, क्योंकि जब अच्छा वेरिएबल पार्ट को खत्म करने का मतलब क्या हुआ, उसको जीरो लेना पड़ेगा ना, तभी तो फिक्स पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आप और क्या जुगाड़ लगा सकते, जीरो के अलावा आप क्या सोच सकते थे बताओ। यहाँ एक्चुअल में इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट पूरा पूरा यही है, यही आकर के रुकेगा। हाँ वो मुझे पता है, इसी ने तो दिया था कि यहीं पर आके सब लोग रुका होगा, और यहीं से तो दिमाग लगाना ये चीज का कि भाई जो वेरिएबल है उसी को खत्म करो, अगर फिक्स पॉइंट चाहिए, जब फिक्स पॉइंट मिल जाएगा तो आ गया देखो। अच्छा आप ये बताओ हमको, चलो ठीक है मान लो ये प्रोसीजर आपको नहीं समझ में आ रहा, ये क्या आपको फिक्स पॉइंट नहीं लग रहा है? लग रहा है ना फिक्स पॉइंट, तो इसका मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर वो वेरिएबल पार्ट मान लो अपवर्ड पैराबोला होता तो x के पास शायद आ जाता, क्योंकि एक्सिस उस केस में y बन जाता, तो उस केस में प्रोसीजर वही करना पड़ेगा, x को जीरो करना पड़ेगा। आप सिंपल सा इतना याद रखो कि जो वेरिएबल पार्ट रहेगा चाहे x के पास हो चाहे y के पास हो, उसी को जीरो करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो करना है, कुछ मतलब ऐसा बने कि वो जीरो हो जाए, तो मिलेगा क्या है? मिलेगा, जीरो जीरो से लाइन पास करा देता। या तो सुनो, जैसे या तो ये लाइन ऐसे आ गया होता, (2)(x - T1+T2)y, ऐसे कर देते तो साफ साफ दिख रहा है कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो फिर जीरो जीरो पास करेगा, फिक्स पॉइंट जीरो जीरो हो जाता, समझ रहे हो? तो ऐसा मतलब खुराफात मत करना यहाँ से। कभी कभी क्या होता है कि घर पे जब पहली बार इसे कोई चाय बनाना सीखा, अच्छा चाय में चीनी डालना रहता है, अच्छा नमक डाल देंगे तो क्या होगा, तो वो काम मत किया करो, नमक डालोगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जो चीज बताया गया दोनों कैसे जीरो करोगे? हाँ चलो इक्वेशन, आप टेंजेंट पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखना और पसंद करोगे क्या? अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बोलता भी हूँ, तो अभी बोलूंगा T1 T2 का -10 है, तो वो कार्ड फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, आपके बाएं हाथ का खेल है वो। हाँ तो एक दाएं हाथ से एक क्वेश्चन जरा लगा दो, बोल दे रहा हूँ, लिखो 4, -4, ऐसे लिखना। सुनो इधर, ए 4, -4 एंड बी एंड बी 9, 6 आर टू पॉइंट्स एट पैराबोला, y² = 4x, ठीक है। हाँ 4x, लिखो, हो गया। If P is any point at arc AOB, ऐसे लिखना arc, अभी मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, at arc AOB कामा लगाना, where O is vertex of parabola, then find maximum area of triangle AAPB,
देन फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। समझ रहे हो बात? अब सुनो देखो इधर सब लोग क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या है। देखो हाँ ए पी बी मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, देखो इधर सुनो, ये मान लो ऐसे बनेगा ना वर्टेक्स, इसका ऐसे बनेगा, या मान लो इसको नहीं भी बनाते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स कहीं ना कहीं होगा। तो जैसे पैराबोला में मैक्सिमम ट्रायंगल मतलब मैक्सिमम एरिया वाले ट्रायंगल बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। इवन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई जैसे यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है कि पी पॉइंट इसी आर्क पर है, अगर ये कंडीशन ना लगाते तो मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अभी क्या करना, ये जो आर्क आ रहा ना एओबी, इसी आर्क पे कहीं पी पॉइंट आपको लेना है, और जब ज्वाइन करोगे जो ट्रायंगल बनेगा ना उसी का एरिया क्या करना, मैक्सिमम बता दो क्या आएगा, मैक्सिमम एरिया भी बता दो और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बता दो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है। लगाओ बेट मत करो, लगाओ लगाओ तुरंत, और बहुत ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना, ठीक है। हाँ मुझे पता है तुम लोग डिफरेंशिएट जरूर करेगा तुम लोग डिफरेंशिएट तो जरूर करेगा, एक दो लोग तो जरूर करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम दिखता नहीं अच्छे तरह, अच्छा डिफरेंशिएशन, ठीक 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 कोई बात नहीं। बात नहीं, बात नहीं करो आप लोग। A का वैल्यू 1 है यहाँ पैराबोला में, तो इसको पैरामेट्रिक पॉइंट मानो आप लोग PT, तो जो PT निकल के आएगा क्या होगा जी, AT स्क्वायर मतलब T स्क्वायर और ट्वाइज AT मतलब 2T, क्लियर। अब देखो भैया मुझे तो यही फार्मूला याद है, आसान सा वाला, तो मैं आसान सा लगाने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। यहीं से स्टार्टिंग करो, इसी पॉइंट से टी स्क्वायर माइनस माइनस करो, माइनस फोर माइनस का सिक्स और प्लस, इस पॉइंट पे आओ, फोर टाइम्स सिक्स पर पहुंच चुके हैं तो टू टी को सब्ट्रैक्ट करो, फिर नाइन पे आप पहुंचो, ठीक है, और उसके बाद फिर टू टी में से माइनस माइनस प्लस फोर को सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल सा एक लगा देते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये कितना बनना है, माइनस का टेन टी स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा कितना होता है, 10 होता है क्या, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 9 2 जा 18 हो गया और 9 4 जा 36 ये बना। अब देखो अगर तो ये आ गया माइनस का 10 टी स्क्वायर प्लस का 10 टी और ये कितना हो जा रहा जी, 60, 10 आप कॉमन ले लो बाहर, माइनस 10 मत कॉमन लेना नहीं सब गड़बड़ कर देगा, तुम लोग पैराबोला को ही अपवर्ड वाला बना देगा तो उसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा फिर तो सब गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। ये पैराबोला डाउनवर्ड का बन रहा है ना, इसी नाते इससे पूछा गया मैक्सिमम एरिया, और नहीं कुछ लोग होंगे यहाँ कर देंगे माइनस भी कॉमन ले लेंगे, मतलब एडवांस बनने के चक्कर में। बहरहाल एक चीज यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें, इस पर मॉड लगाने का जरूरत, अरे यार सुन लो मेरी बात, क्योंकि एक वेरिएबल क्वांटिटी हम लोग चाहते थे इस पे मॉड ना लगाते फिर भी काम बन जाता, लेकिन ये गलती आप मत करना कि मॉड भले ही लगा दिए हम लोग, बस ये गलती मत करना माइनस यहाँ कॉमन मत लेना, नहीं पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा तब। टेन कॉमन लेंगे तो माइनस टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का सिक्स, ठीक है, बस इसी का मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल दो, काम बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आता है, माइनस बी बाई ए पे ना, तो
टी का वैल्यू कैलकुलेट करो, माइनस बी बाई ए, बी ए है माइनस बी बाई टू ए होता शायद, माइनस का वन बाई टू की सिंपल सा वन बाई टू आएगा। सो जो यहाँ पर मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो आ रहा है बाहर है फाइव, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा फाइव टाइम्स, ठीक है, माइनस का वन बाई फोर प्लस का वन बाई टू प्लस का सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस वन बाई फोर, तो फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव बाई फोर, दिस इज आंसर है। दस हजार इधर यार, आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन बताओ तो परेशान हो जाते हो, आसान बताओ तो परेशान हो जाते हो, समझ में नहीं आता जो है। अब जेई मेन में पूछा गया है 2019 में, आप लोग तो ऐसे समझ लेते हो, यही क्वेश्चन दो बार पूछा है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन दो पेपर में, मतलब उसी सेम मतलब 2019 वाले में दो बार पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार ए बी करके पूछा गया, एक बार पी क्यू करके पूछा गया। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ भैया, यहाँ से प्लीज आप लोग माइनस कॉमन मत लेना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, और पैराबोला ऐसा बन जाएगा तो उसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्यों हो रहा है कोई दिक्कत, क्लियर है सब, ठीक। ये क्वेश्चन सब मतलब कराने का मतलब यही था कि आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, और कभी कभी क्या होता है आसान क्वेश्चन पे तुम लोग दिमाग ज्यादा लगा देता है, तो ज्यादा दिमाग लगेगा फिर नहीं आएगा है, कोई दिक्कत है जी इसमें, चलो ठीक है। अब लिखो एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, अरे कुछ नहीं हो गया सर, कुछ लोग घड़ी ही देखते रहते हैं खाली, अभी बेल नहीं बजी है ना, पीएचडी सर, चलो ये नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक से ये कंटिन्यू करूंगा सर, आज एक्स्ट्रा कर सकते हैं।